हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्टिंग वर्ल्ड बाय ऋतु। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक एंड खूबसूरत सा डीआईवाई लेके आई हुई हूँ। ये डीआईवाई जो था वो मैंने रक्षाबंधन पे बनाया था, बट कुछ इशूज़ की वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी। बट मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे भाई दूज पर अपलोड करूँ। तो भाई दूज भी आज था हमारे साइड में, बट बहुत जगह पर कल भी सेलिब्रेट होगा, तो मैंने सोचा कि अब बिना देरी किए इसे अपलोड कर देते। हालाँकि मैं इसे कल ही अपलोड कर देती, बट नेटवर्क इशू की वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैं टाइमली आप लोग तक ये वीडियो नहीं लेके आ पाई। बट अब इससे ज़्यादा देर ना हो इसलिए मैं आज इसे अपलोड कर। मैंने सोचा कि ये एक प्लेटर ही तो है जिसमें मैंने एक राखी रख दी थी, जिसकी वजह से ये राखी प्लेटर हो गया था। बट वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाली है, अगर आप लोग को मेरा ये डीआईवाई अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और आप लोग के फंक्शंस में चार चांद लगाएगा। तो चलिए बिना देरी किए अपना ये डीआईवाई स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, बट मेरे पास MDF बोर्ड नहीं था तो मैंने ये सॉफ्ट वाला कार्डबोर्ड यूज़ किया है। ये एक केक का बॉक्स है जिसे मैंने पूरी तरीके से ओपन कर लिया है। उसके बाद से मैंने इस साइज़ का प्लेट लेके अच्छे से मेज़र करके राउंड शेप मार्किंग कर ली है और हम इस तरह का दो सर्कल मार्क करेंगे ताकि ये जो कार्डबोर्ड का है ये MDF का पूरा टोटल लुक दे सके। इसे पहले कट नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसके साइड साइड में जो एजेस निकाल रखे हैं उसे मैंने मुझे पेटल्स का शेप देना था। तो सबसे पहले हम पेटल्स को बराबर रहे इसके लिए एक पेपर को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद उस पर हाफ पेटल शेप बनाएंगे, जैसा भी पेटल्स आप बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसे ऐसे डिज़ाइन किया है, आप एकदम प्लेन शेप भी पेटल्स का दे सकते हैं। फिर आपने जो सर्कल ड्रॉ किया था उस सर्कल का हल्का सा मेज़र करके नीचे से पेटल्स को भी सर्कल कर देंगे ताकि जब आप इसे कट करें तो ये पेटल्स जो है वो इस सर्कल पे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये पेटल्स जो है ये निकल के आया है। अब देखिए हम इसे ऐसे इस सर्कल के किनारे किनारे रख के जो हमने एजेस छोड़ रखे थे वहाँ पे रख के इसे सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम इस कार्डबोर्ड को अच्छे से कट करेंगे तो ये एकदम फ्लावर के शेप में कटआउट निकल के आएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा ये कटआउट निकल के आया है, बट ये एक केक का बॉक्स था जिसकी वजह से कहीं कहीं हल्का सा मोड़ भी पड़ गया है, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर एक और कार्डबोर्ड रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से एकदम हार्ड हो जाएगा और एकदम MDF का लुक आएगा। अब मुझे प्रॉपर अपने इस प्लेट पे प्लेट की जो गहराई होती है सेंटर में वो मुझे चाहिए थी, तो जिसकी वजह से मैंने थर्माकोल को इस पेटल्स पे लगाने का सोचा ताकि बीच में से हमारा जो मतलब गहराई होती है प्लेट की वो आ जाए। लेकिन मैंने सबसे पहले जल्दी की वजह से फेवी बॉन्ड से इस थर्माकोल को लगाने का सोचा, बट आप इसे बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा क्योंकि जब मैंने इसे ट्राई किया तो उसके बाद से थर्माकोल जो था वो मेल्ट होने लगा था। फिर लास्ट में मैंने फेविकोल से इसे किया, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा जल्दी था मुझे इसकी वजह से मैंने ऐसा ट्राई किया था लेकिन वो हो नहीं पाया और थर्माकोल भी मेरे पास थोड़ा ही बचा हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे थर्माकोल मेरे ख़राब हो गए। और उसके बाद से जब मैंने फेविकोल से इसे लगाने का सोचा तो ये जैसे क्लियर पेटल्स कट हुए हैं कार्डबोर्ड पर वैसे थर्माकोल से नहीं हो पाए, तो बहुत सिंपल सा फिर डिज़ाइन बनाया मैंने और डायरेक्ट सा थर्माकोल से। और देखिए कितने सारे टुकड़े जोड़ जोड़ के मैंने किया है। हालाँकि जो गहराई जो डेप्थ मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया, बट पेटल्स की जो क्लियरनेस चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल पाई तो ये बहुत भद्दा सा लगने लगा। बट किसी तरह मैंने एडजस्ट किया और फिर एक्स्ट्रा जो मेरे पास कार्डबोर्ड बचे थे उससे मैंने इन पेटल्स को कवर कर दिया। तो टुकड़े चूँकि बचे हुए थे तो देखिए किस तरह से मैंने इसे भी किसी तरह से बस एडजस्ट किया हुआ है। जब ये अच्छे से स्टिक हो जाए तो उसके बाद से आप इसे पलट के इस पेटल शेप के अराउंड में आप इसे कट कर दीजिए ताकि ये अच्छे से प्लेट का शेप आए। तो देखिए ये मेरा प्लेट इस तरीके से कुछ रेडी हुआ है।
आप लोग देख सकते हैं कि प्लेट के बीच में थोड़ा सा ये जोड़ पड़ा हुआ है मोड़ने का, जो मैंने ये केक का बॉक्स कट किया था उसका, तो इसके लिए मैंने ये एक सर्कल काट के उसके बाद से फिर मैंने इसे भी अच्छे से पेस्ट कर दिया ताकि ये बिल्कुल भी ऐसे मुड़े नहीं, बहुत स्ट्रेट रहे और बहुत सुंदर लगे। तो ये देखिए इसकी गहराई कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बट फिनिशिंग के लिए मैंने एक सोल्यूशन बनाया था जिसे फेविकोल और वाटर के मिक्सर से बनाते हैं। ये मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोग को बताया है, दिखाया है कि इसे कैसे बनाते हैं। और इसे बनाने के बाद हम इन सारे टिश्यूज़ को इस पर अच्छे से पेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा रफ़ सरफेस भी हो जाएगा और थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग एक लुक आ जाएगी और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा प्लेट हमारा। तो देखिए सारे टिश्यू पेपर्स को ऐसे अप्लाई करने के बाद ये इस तरह से कुछ दिख रहा है। बट पेटल्स के साइड साइड में टिश्यूज़ को मैंने यूज़ नहीं किया कि कहीं और भी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप का यूज़ किया है ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए और बॉर्डर पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ के लिए मैंने, और ये जो थोड़ा सा थर्माकोल अंदर अंदर से है और बाहर से थोड़ा सा कम है ना, तो ये मास्किंग टेप से करने से ना बहुत ही इक्वली सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि थर्माकोल कम पड़ गया था या फिर ऐसा कुछ भी। तो ये देखिए कि मैंने किस तरीके से मास्किंग टेप को कट किया, और कट करने के बाद मैंने फुल्ली बिना कंजूसी किए इसे अच्छे से पूरे पे लगा दिया। तो ये देखिए मास्किंग टेप कंप्लीट होने के बाद से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, एकदम अच्छे से कवर हो गया है। तो अब बारी आती है इसके डेकोरेशन की, तो अब मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, अब आप बस देखते जाइए। और थोड़ा सा पेटल्स और स्ट्रॉन्ग रहे और कहीं से भी ना मुड़े, इसके लिए मैंने आइसक्रीम स्टिक को पीछे से लगा दिया था ताकि ये और भी ज़्यादा एकदम अच्छे से स्ट्रेट रहे।
देखा आप लोगों ने, मैंने अपने प्लेट को सैटिन कपड़े से और कुछ लेसेस से कितना अच्छे से डेकोरेट कर दिया। अब बारी आती है कुमकुम अक्षत रखने के लिए। तो ये मैंने कप सिरप के कैप्स लिए हैं जिसे मैंने गोल्डन कलर से पेंट कर दिया है और इसे मैं लेस से डेकोरेट करके उसमें रख दूँगी जिससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक आए। अगर मेरा ये DIY आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार बरसा दीजिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए यूनिक DIYs लेके आती रहूँगी। तो चलिए अब इसी के साथ देखते हैं फाइनल लुक।